So, hello future doctors, welcome to Neat Ultimatum. Here we are working to achieve the dreams. ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? So, without wasting our time, let us focus on what we are going to do today. Today is our lecture number 3 of biological classification. And हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. यस ठीक है, विद दिस लेट्स जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं लाइक लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हम मुनीरा पढ़ चुके हैं एंड लेक्चर 3 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मुनीरा. सो विद दिस लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर क्लास. ओके, नाउ प्लीज़ फोकस हियर एंड आप लोग की नज़र सिर्फ स्क्रीन पर होना चाहिए. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप लोग क्या करो, जल्दी से बुक्स निकालिए, नोट्स रेडी करिए एंड मैं आप लोग को जो पढ़ा रही हूँ जल्दी से लिखते जाइए एंड क्लास के बाद आप लोग नोट रिवाइज करिए, देन आप लोग ब्रेक लीजिए, देन आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होगा. राइट ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. दैट इज़ फर्स्ट स्लाइड इज़ हियर. ठीक है, अब ये स्लाइड में आप लोगों को कुछ तो नज़र आ रहा है. ठीक है, देखिए फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप लोग को क्या लग रहा है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, आप लोग तो जानते होंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यस, वेरी गुड, बट ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? पहले हम जानेंगे व्हाट इज ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसे बोलेंगे जिसमें हमने यू नो गैमीट शुड फॉर्म, गैमीट्स इन्वॉल्व हो गए, जाइगोट बनेगा, मियोसिस होगा, क्रोमोजोम इन्वॉल्व हो गए, ये सब क्या होगा? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा. जैसे कि देखिए गैमीट शुड फॉर्म, गैमीट्स फॉर्म होनी चाहिए, मियोसिस इन्वॉल्व होनी चाहिए. आप लोग को सब पता है ना, ये गैमीट शुड फॉर्म, मियोसिस होगी, क्रोमोजोम इन्वॉल्व होने चाहिए एंड जाइगोट की भी तो फॉर्मेशन होनी चाहिए. हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे. ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जिस ट्रू बोलेंगे जिसमें आपको गैमीट दिखेंगे, मियोसिस, क्रोमोजोम्स एंड जाइगोट भी फॉर्म होगा. दिस ऑल आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया. ये क्या है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है बैक्टीरिया में, बोल रहा है यहाँ पर. पहले तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज गैमेट शुड फॉर्म, मियोसिस इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्रोमोजोम इन्वॉल्व होनी चाहिए, जाइगोट भी फॉर्म होना चाहिए. देन देखिए हम ये जान चुके हैं कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एब्सेंट है मुनीरा, दैट इज बैक्टीरिया. ऑल बैक्टीरियंस आर मुनीरंस एंड ऑल मुनीरंस आर बैक्टीरिया. ठीक है, सो दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन अवर मेन स्लाइड, दैट इज हियर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ सी व्हाट इज इट इन मुनीरा, ट्रू रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. हम ये अच्छे से जान चुके राइट कि व्हाई ट्रू रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. हम क्यों बोल रहे हैं कि ट्रू रिप्रोडक्शन एब्सेंट है? पहले हम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है जान चुके हैं एंड हम ये भी जान चुके हैं कि मुनीरा में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है. राइट ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, अगर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है मुनीरा में देन हमें किस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखेगी? हमें दिखेगी प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर. आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे दिखेगी? देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय सम प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर. क्या होगा यहाँ पर? कोई प्रिमिटिव टाइप, जो प्रिमिटिव डीएनए होगा वो ट्रांसफर होगा बैक्टीरिया के अंदर. तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे परफॉर्म होगी मुनीरंस में, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है. प्रिमिटिव डीएनए का ट्रांसफर हो जाएगा बैक्टीरिया में. ठीक है, इन दिस सम प्रिमिटिव डीएनए क्या होगा? प्रिमिटिव डीएनए फ्रॉम अदर बैक्टीरियम, फ्रॉम वायरस, फ्रॉम अदर मीडियम, इसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव डीएनए, जो बाहर का है. राइट, जो बैक्टीरिया का नहीं है, वेदर इट्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, अदर वायरस, तो हम क्या बोलेंगे उसे? प्रिमिटिव डीएनए. एंटर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को एंटर करेगा. देखिए ये है डीएनए. देखिए मैं इसे कुछ सिंबल बनाई थी, ये वाला सिंबल है. सपोज व्हाट एवर इट इज, क्यूब, स्क्वायर, ये है हमारा सिंबल. दैट इज इट इज प्रिमिटिव डीएनए, डीएनए फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, दैट इज ये है प्रिमिटिव डीएनए. ये क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है बैक्टीरिया में. राइट, ये क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है बैक्टीरिया में. देखिए प्रिमिटिव डीएनए एंटर बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड एंड आपको पता है इट लीड्स टू वेरिएशन. इसीलिए तो हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन. लेकिन हम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखेंगे मुनीरा में. हम क्या देखेंगे? कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होगा. कि अदर क्या है वो? प्रिमिटिव डीएनए एंटर बैक्टीरियम फ्रॉम
आउटसाइड एंड इट विल लीड टू वेरिएशन. सो ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दिखेगा मोनेरा में. ठीक है, सो विद दिस लेट्स जस्ट फोकस ऑन हाउ मेनी टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर्स. अब डीएनए कैसे कैसे ट्रांसफर होगा, मैं आप लोगों को बोली थी कि थोड़े बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, तो आप लोगों को क्या होगा, कन्फ्यूज़ हो गए होंगे आप लोग. जब अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में जब बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि यू नो बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, तो अब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने वो जब क्या कहा था आप लोग से. देखिए, प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र आर ऑफ थ्री टाइप, जो हम अभी पढ़ के आ चुके हैं कि आपको मुनीरा में नहीं दिखेगा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यस यस और नो. ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें आपको गैमेट इन्वॉल्व होगी, क्रोमोसोम, मियोसिस, जाइगोट भी फॉर्म होनी चाहिए. आपको ये सब टर्म्स दिखेंगे तो वो होगा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट अगर आप लोग को नहीं दिखेंगे तो हम उसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे. तो लेकिन हम बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुनीरा में हो रहा है, लेकिन कैसा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र. एक प्रिमिटिव डीएनए क्या हो रहा है, बैक्टीरिया में अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसे वेरिएशन भी होगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इट इज़ नोन टू एवरीवन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, राइट. ठीक है, अब देखिए, प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र मतलब जो प्रिमिटिव डीएनए है बैक्टीरिया में एंटर हो रहा बोल रहे हैं, तो किस किस तरह से, हाउ मेनी टाइप्स एंड वेज इट कैन एंटर इन टू बैक्टीरिया, वी आर गोना हैव अ ग्लांस ऑन इट. ठीक है, प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र आर ऑफ थ्री टाइप्स के. देखिए आप लोग ये प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग को क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को हर जो हम आगे जो चैप्टर्स है, हमारे जो अलग यूनिट्स है, मैं आप लोगों को अभी से बोलकर यू नो अगर मैं भी बोलूँगी आप लोग जाके सर्च करने लग जाओगे एंड आप लोग ये टॉपिक छोड़ दोगे, वो टॉपिक पकड़ लोगे. सो प्लीज़ मैं आप लोगों को इसीलिए मैं आप लोगों को चैप्टर्स के नाम नहीं बोलना चाहूँगी, बट ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लिंकेज दिखेगी इससे. तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, अच्छे से समझिए, हर स्लाइड अच्छे से समझिए, क्योंकि एनसीईआरटी इजी होगी आप लोग के इससे. एंड अगर आप लोग नोट्स को फॉलो करोगे दैन यू विल स्कोर 4 मार्क्स एंड आप लोग को क्या होगा, आप लोग का फ्यूचर सिक्योर होगा, आप लोग परफेक्ट होगे विद गुड अंडरस्टैंडिंग, आप लोग हर चीज़ को अब्जॉर्ब कर सकोगे. ठीक है, सो प्लीज़ देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर मेथड इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज़ कॉन्जुगेशन, थर्ड इज़ ट्रांसडक्शन. अब ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, हम ये तो जान चुके हैं कि ये एक मेथड है जिसमें प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफ़र होगा बैक्टीरिया में, लेकिन हम इसको देन ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन क्यों बोल रहे हैं. देखिए, अब हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन को और अच्छे से. ठीक है, विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग वी विल गेट टू नो व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन. ठीक है, देखिए, हाउ डी एन ए ट्रांसफ़र अकर्स इन बैक्टीरिया. अब कैसे डी एन ए ट्रांसफ़र, प्रिमिटिव डी एन ए तो बैक्टीरिया में एंटर हो रहा है, हम ये जान चुके हैं, लेकिन अब कैसे कैसे होगा. देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, डी एन ए फ्रॉम मीडियम क्या होगा, अदर मीडियम से, डी एन ए फ्रॉम मीडियम एंटर्स इन टू बैक्टीरियल सेल. देखिए, ये है हमारा बैक्टीरियल सेल, राइट. देखिए, ये है वेट अ सेकेंड. देखिए, दिस इज अवर बैक्टीरियल सेल, येस और नो. आप लोगों को तो मैंने अज्यूम करने कहा था कि यह बैक्टीरियल सेल, देन यू पीपल मस्ट से यस मैम इट इज़ बैक्टीरियल सेल. ठीक है, दिस इज़ द बैक्टीरियल सेल. ओके, आप लोगों की कंफर्ट एंड मेरे कंफर्ट के लिए हम क्या करेंगे, छोटू सा ड्रॉ कर लेंगे बैक्टीरियल सेल. ठीक है, देखिए ये है रहा हमारा बैक्टीरियल सेल. ठीक है, वेरी गुड. अब बैक्टीरियल सेल में देखिए, हम बात कर चुके हैं कि डीएनए ट्रांसफ़र होगा, राइट. ये है हमारा कुछ डीएनए, ये सपोज़ आप लोग मान लीजिए कि ये है डीएनए. अगर मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग मान लीजिए कि ये है डीएनए, देन आप लोग मान लीजिए, बिकॉज मैं कह रही हूँ ना आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग मान लीजिए. ठीक है, तो ये है हमारा डीएनए, ये है हमारा बैक्टीरियल सेल. हम ये पढ़ आ चुके हैं कि डीएनए एंटर होगा बैक्टीरिया में. अब देखिए, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं, डीएनए फ्रॉम मीडियम, ये क्या होगा, एक मीडियम से एंटर होगा बैक्टीरियल सेल में. डीएनए फ्रॉम मीडियम एंटर्स इनटू बैक्टीरियल सेल, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन में क्या दिखेगा, डीएनए तो एंटर होगा बैक्टीरिया में, लेकिन मीडियम के थ्रू, मीडियम से, एक मीडियम में से आपको क्या होगा, प्रिमिटिव डीएनए एंटर होगा बैक्टीरियल सेल से, दैट इज़ फ्रॉम डीएनए. ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज कॉन्जुगेशन. ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में. देखिए,
कॉन्जुगेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम दैट इज डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब सपोज आप लोग मान लीजिए कि यह है हमारा बैक्टीरियल सेल, देन यह है हमारा एक और बैक्टीरियल सेल, ठीक है। देखिए सॉरी व्हाट इज़ दिस, चलिए आप लोग मान लीजिए एक सेकेंड वेट करिए। देखिए हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ के आए, ये पढ़ के आए हम कि हमारा जो बैक्टीरियल सेल है उसमें डीएनए एंटर होगा, लेकिन कहाँ से एंटर होगा, मीडियम से एंटर होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेशन, ये देखिए है हमारे दो बैक्टीरियल सेल, राइट। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम से हमें एक बैक्टीरियम में डीएनए जाएगा, यही तो मेथड है। लेकिन देखिए यहाँ पर गया था मीडियम से, लेकिन यहाँ पर जाएगा एक बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में कैसे जाएगा, देखिए थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब जैसी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या जाएगा, हमारा यहाँ से बैक्टीरिया, सपोज हमारा ये डीएनए है, यहाँ से एंटर हो जाएगा, यहाँ पर एंटर हो जाएगा। सो फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन, ठीक है। देखिए डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब, डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या था कि ये था हमारा बैक्टीरियल सेल, राइट। बैक्टीरियल सेल में डीएनए तो एंटर हो रहा था, लेकिन फ्रॉम मीडियम, राइट, थ्रू मीडियम, एक मीडियम में से हमें बैक्टीरिया डीएनए एंटर हो रहा था बैक्टीरियल सेल में, ठीक है ना। ओके एंड लास्ट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या है, आप लोग ये दो पढ़ के इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई थी कि बैक्टीरियल सेल में हमारे पास डीएनए एंटर हो रहा, एक केस में हो रहा है मीडियम से, दूसरे केस में हो रहा है एक बैक्टीरिया से, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्जुगेशन ट्यूब भी दिख रही, तो हम कॉन्जुगेशन बोलेंगे इसको। अब है ट्रांसडक्शन, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि एक बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र होगा, लेकिन अब इसमें भी कोई कंडीशन होगी, इसलिए हम इसको ट्रांसडक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मीडियम था, यहाँ पर वन बैक्टीरिया तो अनदर बैक्टीरिया थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। ट्रांसडक्शन देखिए, विद द हेल्प ऑफ वायरस डीएनए ट्रांसफ़र अकर्स, ओके। यहाँ पर देखिए यह है हमारा बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया में आपको क्या होगा, डीएनए एंटर होगा, लेकिन ये कहाँ से एंटर होगा, एक वायरस से, राइट। आपको ये क्या दिखेगा, देखिए ये सपोज देखिए ये है हमारा वायरस, ओके। देखिए आप लोग मान लीजिए ये है हमारा वायरस, तो आपको क्या दिखेगा कि डीएनए, अब यहाँ से देखिए डीएनए क्या होगा, ये रहा हमारा डीएनए, ये है हमारा डीएनए जो वायरस से एंटर होगा बैक्टीरिया में, सो इसीलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन। देखिए विद द हेल्प ऑफ वायरस, ये है हमारा वायरस, डीएनए ट्रांसफ़र अकर्स, राइट। यहाँ पर क्या होगा, डीएनए ट्रांसफ़र अकर होगा विद द हेल्प ऑफ वायरस, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन। तो क्या आप लोग को समझ आ चुका है व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज़ कॉन्जुगेशन एंड व्हाट इज़ ट्रांसडक्शन। मैं आप लोगों के इसके नीम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन इसलिए रिपीट करती जा रही हूँ क्योंकि आप लोग ये वर्ड से फेमिलियराइज हो जाओ, ऐसे थोड़े वर्ड्स रहते हैं, यू नो एज अ स्टूडेंट आई नो द प्रॉब्लम दैट वी पीपल फेस, कि हमें एक वर्ड दिखा, आप जब यू नो मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज इन यंग एज, जब हमें यू नो पढ़ा रहे थे मैम एपिथीलिया, आई वॉज लाइक वेरी शॉक व्हाट इज़ दिस एपिडर्मिस, आई वॉज यू नो क्या है ये सब, एक फिफ्थ सिक्स क्लास के स्टूडेंट के लिए यू नो इंट्रोड्यूसिंग टू सम लेयर्स दैट एपिथीलिया एपिडर्मिस, ये सब वर्ड मेरे को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते थे। देन वॉट यू हैव टू डू इज़, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, अगर आप लोगों को ये वर्ड्स, आप लोग फेमिलियराइज तो हो गए नहीं क्योंकि एवरीथिंग इज़ न्यू हियर, राइट। हम वी आर स्टडिंग, सो इन द प्रोसेस ऑफ स्टडीज वी यू नो गेट टू नो मेनी थिंग्स दैट आर न्यू, सो दैट इज़ वॉट वी डू हियर, दैट इज़ वाई वी हियर, दैट इज़ हम पढ़ने आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें बहुत सारे न्यू चीज़ दिखेंगे, लेकिन हमें इसे डरने ना चाहिए। अगर आपको ये वर्ड कॉन्जुगेशन इट इज़ गेटिंग हार्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, देन आपको क्या होगा, आप क्या करोगे, देखिए
सेवेरो ओकाइंस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत थोड़े इनडिफरेंट है, आपके लिए कॉमन नहीं है वो वर्ड्स. तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो आप लोग लोगे ब्लैंक पेपर, देन आप लोग लोगे पेन. आप लोग वो वर्ड को बस 3 टाइम्स लिखिए. एंड मैं आप लोगों को, मेरा एम क्या है, ये बार बार ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन बोल बोल कर मैं आप लोगों को तो पहले फेमिलियराइज करा देना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग जब पढ़ो तो आप लोगों को आसान हो एंड आप लोगों को बार बार याद हो. जितना आप रिपीट करोगे आपको याद होगा. आप मैं बार बार ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, और ये यहाँ से मीडियम से होगा बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, वायरस टू बैक्टीरिया, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग बार बार सुनोगे आप लोगों को परफेक्ट याद होगा. ओके, तो प्लीज़ आप लोग इसको नेगेटिवली मत लीजिए कि मैं एक चीज़ को बार बार बोल रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए. ठीक है, ओके. नाउ विद दिस लेट्स जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ आर्के बैक्टीरिया. हम इसका ओवरव्यू ले लिए थे जब वी आर स्टार्टिंग मुनीरा. नाउ देखिए, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कितने टाइप्स है, वी नो दैट आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. ठीक है, आर्के बैक्टीरिया इट इज़ अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया. आर्के बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया. आप लोगों को पता है राइट, हम ये जान चुके थे कि आर्के बैक्टीरिया इज प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया. इट वॉज इन द फर्स्ट लेक्चर दैट वी केम इंट्रोड्यूस टू दैट आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया द टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एंड आर्के बैक्टीरिया इज अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया. अब देखिए आर्के बैक्टीरिया के बारे में, आर्के बैक्टीरिया एवॉल्व इन हार्श कंडीशन. आपको आर्के बैक्टीरिया दिखेंगे हार्श कंडीशंस में, लेकिन आपको क्या यू बैक्टीरिया दिखेंगे हार्श कंडीशन में? नहीं, क्योंकि आर्के बैक्टीरिया एवॉल्व हुए थे हार्श कंडीशन में. अब सपोज ऐसा माना जाता है कि अर्थ, जब अर्थ के इनिशियल बहुत ज़्यादा शुरुआती दिन में बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस रहती थी, तो वहाँ पर क्या दिखेगा आपको, आर्के बैक्टीरिया. अब जैसे जैसे हम जैसे जैसे लाइक हार्श कंडीशंस बेटर हॉस्पिटेबल, लाइक जैसे जैसे हमारी लिविंग बेटर होती जा रही, हार्श कंडीशन दे आर गेटिंग एवॉल्व इनटू क्या बोल सकती हूँ मैं, अच्छे वाले कंडीशंस, लाइक हार्श कंडीशंस टू हार्श कंडीशंस टू विच वर्ड शुड आई यूज, हार्श कंडीशन टू एक अच्छे वाले कंडीशंस, जैसे कि हार्श कंडीशंस टू गुड कंडीशंस. ठीक है, हार्श कंडीशंस जाके अब यहाँ पर, अब देखिए अर्थ हमारा जब एवॉल्व, देखिए बहुत ज़्यादा इनिशियली में अर्थ में हमारे पास है हार्श कंडीशंस, तो हमें आर्के बैक्टीरिया दिखेंगे. जैसे जैसे हमारा अब डेवलपमेंट हो रहा एंड बेटर लिविंग होते जा रही, देन हार्श कंडीशंस क्या आप लोगों को ज़्यादा दिखेंगे? नहीं, क्योंकि आपको हार्श कंडीशंस बहुत ज़्यादा कम जगह पर दिखेंगे, क्योंकि जहाँ पर हार्श कंडीशंस बचे हुए हैं, तो इसीलिए वहाँ पर आपको आर्के बैक्टीरिया दिखेंगे. तो जहाँ पर हार्श कंडीशंस होंगे वहाँ पर आपको आर्के बैक्टीरिया दिखेंगे. अब यू बैक्टीरिया तो ट्रू बैक्टीरिया है. अब आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में मेजर डिफरेंस क्या है, हम वो आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल्स आप लोग अच्छे से नोट करिए, एग्जांपल्स में गड़बड़ कर देते स्टूडेंट्स एंड मेरे को भी गड़बड़ हो जाती थी, तो आप लोग क्या करिए प्लीज़ नोट कर लीजिए. देखिए मेथनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्के बैक्टीरिया. ठीक है, यू बैक्टीरिया इट इज़ अ ट्रू बैक्टीरिया, एंड एग्जाम्पल्स देखिए साइनो बैक्टीरिया एंड माइको प्लाज्मा, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ यू बैक्टीरिया. एंड आर्के बैक्टीरिया में मेथनोजन, हैलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स, सो दीज आर आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. अब आप बोलोगे कि आर्के बैक्टीरिया में से क्या है जो यू बैक्टीरिया में नहीं है, क्योंकि आर्के बैक्टीरिया इज सर्वाइविंग इन द हार्श कंडीशंस, राइट? तो देखिए व्हाट इज़ द रीज़न कि आर्के बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर पा रहा है, द रीज़न इज़ हियर. देखिए डिफरेंस बिटवीन आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, सेल वॉल, सेल वॉल ही है जो मेजर डिफरेंस है, नॉट मेजर कि इस, देखिए सेल वॉल की देखिए सेल वॉल की वजह से हमें दिख रहा है कि आर्के बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन द हार्श कंडीशन, बट नॉट यू बैक्टीरिया कैन डू दैट. व्हाई, सेल वॉल में ऐसा क्या है आर्के बैक्टीरिया के? अब देखिए हम ये पढ़ेंगे, इट इज़ सेड दैट आर्के बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन हार्श हैबिटेट, हार्श कंडीशंस ड्यू टू सेल वॉल. सेल वॉल, आर्के बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या है, आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल इज़ अ मेन रीज़न दैट आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहा है हार्श कंडीशन में. अब क्यों सर्वाइव कर पा रहा है, कैसे, अब वो हम पढ़ेंगे आगे आगे जब हम आर्के बैक्टीरिया डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए सो वी हैव गॉट टू नो दैट आर्के, डिफरेंस बिटवीन आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, मेजर डिफरेंस इज सेल वॉल. सेल वॉल ही ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आर्के बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन द हार्श हैबिटेट्स, राइट?
सेल वॉल इज द मेन रीजन. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा नीट में अगर आप लोग ये लाइट लेकर सुन रहे हो, देन आप लोग क्या करोगे, लॉस बुक कर लोगे. तो प्लीज़ प्रॉफिट बुक करिए, राइट. प्रॉफिट शुड बी योर फ्रेंड्स. ठीक है, देखिए आर के बैक्टीरिया, इट लिव इन हार्श हैबिटेट लाइक मार्शी हैबिटेट. मार्शी हैबिटेट में दिखेंगे आपको आर के बैक्टीरिया. अब हार्श हैबिटेट, जैसे कि अब हार्श हैबिटेट्स के बारे में देखिए, एनरोबिक कंडीशंस में दिखेंगे आपको हार्श आर के बैक्टीरिया. हाई सॉल्ट कंडीशंस में दिखेंगे, हैलोफिल्स हम पढ़ चुके हैं ये. हाई टेम्परेचर्स में दिखेंगे आपको, लो पीएच में दिखेंगे. सो दीज आर सम हार्श कंडीशंस इन विच यू कैन फाइंड आर के बैक्टीरिया. देखिए हाई सॉल्ट कंडीशन विल कॉज एक्सोसमोसिस. एक्सोसमोसिस क्या है, अब आप लोग मुझे जल्दी से बताओगे कि एक्सोसमोसिस क्या है. आप लोग को ऑस्मोसिस बताइए मुझे पहले क्या है, देन आप बताओगे एक्सोसमोसिस. दैट इज देखिए, अब सपोज ये है एक, सपोज ये है फिश. ठीक है, देखिए ये है फिश. अब आप लोग ये मान लीजिए कि ये है फिश. ठीक है, आप लोग मानोगे ना मैं बोल रही हूँ तो. ठीक है, वेरी गुड, आप लोग मानोगे. माई फेवरीज दे विल ट्रस्ट मी राइट. ठीक है, ये है हमारे फिश. वेरी सॉरी फॉर दिस फिश. ठीक है, ये है हमारे फिश. अब ये है देखिए, ये तो है कुछ उसकी विसिनिटी जिसमें सॉल्ट कंडीशन ज़्यादा है. यहाँ पर सॉल्ट कंडीशन ज़्यादा है तो आप क्या होगा बोलिए. सॉल्ट कंडीशन ज़्यादा है तो क्या आप वाटर अंदर आएगा या फिर वाटर उसकी बॉडी के बाहर जाएगा. ऑस्मोसिस तो आप लोगों को पता है कि वाटर की मूवमेंट होगी यहाँ पर. बट आप लोग मुझे बताइए, फ्रॉम हाइयर वाटर पोटेंशियल टू लोअर, दैट इज हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. ऑफ वाटर अब आप लोग बोलिए मुझे, ऑस्मोसिस तो क्या है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन. देखिए ऑस्मोसिस क्या है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, राइट. ये है ऑस्मोसिस बट इन टर्म्स ऑफ वाटर बोल रहे हैं हम. अब देखो आप लोग बोलिए कि सॉल्ट कंडीशन यहाँ है ज़्यादा, यहाँ पर सॉल्ट कंडीशन ज़्यादा है, दैट इज सैलिनिटी ज़्यादा है यहाँ पर. तो हाई वाटर कंडीशन कहाँ पर होगी, सॉल्ट ज़्यादा है, सोल्यूट ज़्यादा है. तो आप लोग बोलिए कि वाटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा कि यहाँ पर. डेफिनेटली यहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा, दैट इज़ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी. तो क्या होगा, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, राइट. यहाँ पर क्या होगा, H2O विल कम आउट ड्यू टू हाई सैलिनिटी आउटसाइड. ठीक है, इसको ही हम बोलेंगे एक्सोसमोसिस. ठीक है, हम इसको ही बोलेंगे एक्सोसमोसिस. सो दिस वॉज अवर एक्सोसमोसिस, जिससे फिश का पानी निकलते जाएगा. तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी, ये आप लोग का मैं अब इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि उसको क्या प्रॉब्लम होगा. आप लोग बोलिए कि यही प्रॉब्लम है, हाई सॉल्ट कंडीशन विल कॉज एक्सोसमोसिस. ठीक है, अब देखिए हाई टेम्परेचर्स, आप लोगों को पता है टेम्परेचर्स के थ्रू एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं. एंजाइम डीनेचर होते हैं ना, एंजाइम्स डीनेचर, एंजाइम्स का डीनेचर होना, इज इट गुड और बैड, इट इज़ वर्स कंडीशन, राइट. आपका पूरा मेकानिज्म, मेटाबॉलिज्म वर्स हो जाता है जब एंजाइम डीनेचर. एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल प्रोटीन कैटलिस्ट, विदाउट एंजाइम नो वन कैन सर्वाइव, राइट. देखिए हाई टेम्परेचर्स एंजाइम को डीनेचर करते हैं, दैट इज हाई टेम्परेचर की वजह से हमें एंजाइम डीनेचुरेशन दिखता. हाई सॉल्ट कंडीशंस एक्सोसमोसिस दिखेगा आपको. इट अकर्स वेयर हार्श कंडीशन, वेयर हार्श हैबिटेट एग्जिस्ट एज दे आर प्रेजेंट इन अर्ली. देखिए इट अकर्स वेयर हार्श हैबिटेट एग्जिस्ट, हार्श हैबिटेट्स जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पर अकर होंगे. कहाँ पर, कौन, आर के बैक्टीरिया. एज दे वर प्रेजेंट इन अर्ली हार्श हैबिटेट्स, हमें पता है कि अर्ली हमें अर्ली ऑन अर्थ कि हार्श हैबिटेट्स थे तो वहाँ पर आर के बैक्टीरिया आपको दिखेंगे. अब यहाँ पर जैसे हम डेवलप कर चुके हैं, अभी भी कुछ हार्श हैबिटेट्स होंगे, राइट. सो देयर वी कैन सी आर के बैक्टीरिया. दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ आर के बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ आर के बैक्टीरिया को हम पढ़ेंगे. ठीक है, आर के बैक्टीरिया क्या है, फर्स्ट सॉरी आर के बैक्टीरिया क्या है, दैट इज इट इज प्रिमिटिव बैक्टीरिया, इट लिव्स इन हार्श कंडीशन. हम ये बात जान चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर के बैक्टीरिया, मेथेनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. मेथेनोजेंस हमें दिखेंगे मार्शी एरियाज में, गट ऑफ रूमिनेटिंग एनिमल्स लाइक काउस, राइट. देन इट प्रोड्यूसेस मीथेन्स. मेथेनोजेंस क्या करेंगे, मेथेनोजेंस आर बैक्टीरियाज एंड मार्शी कंडीशंस में मिलेंगे एंड गट ऑफ रूमिनेटिंग एनिमल्स में मिलेंगे आपको. ये लोग क्या आप करेंगे, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे
एंड देर लोग क्या है, मजबूरी है लोग के एनरोबिक कंडीशन, दे आर ऑब्लिगेट एनरोब, ऑब्लिगेट इन द सेंस मजबूर है लोग कि उन लोग को एनरोबिक कंडीशन में ही रहना है, बिकॉज देर आर के बैक्टीरिया दे आर फेमस टू लिव इन हार्श कंडीशन, राइट? उन लोग तो फेमस है कि लोग हार्श कंडीशन में रहेंगे, देन दे आर ऑब्लिगेट एनरोब, ठीक है? एग्जाम्पल इज मेथेनोबैक्टीरियम, ठीक है? देन हैलोफाइट्स, आप लोगों को नेम इन द सेंस दे डिपिक्ट दैट इज हाई सॉल्ट एरिया में रहेंगे. अब हाई सॉल्ट एरियाज लाइक डेड सी, ठीक है? अब थर्मो एसिडोफाइल्स, हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पर, थर्मो, थर्मो आपको दिख रहा है टेम्परेचर, थर्मो दैट इज हाई टेम्परेचर होगा. थर्मो एसिडोफाइल्स, लो पीएच होगा, इसको हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स. टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर दे रिक्वायर थर्मोस्टेबल एंजाइम्स. देखिए हाई टेम्परेचर में रहने के लिए उन लोगों को कोई अडेप्टेशन होना ज़रूरी है, राइट? क्योंकि हाई टेम्परेचर तो डीनेचर करता है एंजाइम को, ये बात पढ़ चुके हैं. बट स्टिल दे आर लिविंग इन आर्के बट स्टिल आर्के बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर लाइक हार्श हैबिटेट्स, बिकॉज दे विल हैव सम काइंड ऑफ थर्मोस्टेबल एंजाइम्स जो टेम्परेचर में भी स्टेबल हो जाएंगे. टैक पॉलीमरेज जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब हम यू नो बायोमोलिक्यूल्स पीसीआर में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे. बट आप लोग जल्दी से भाग कर पीसीआर मत खोल के बैठ जाना, अभी आप लोग ये पढ़िए एंड जब हम पीसीआर पढ़ेंगे देन आप लोग उसमें इंटरेस्ट लेना, ठीक है? सो इट इज़ इट दैट इज़ मेथेनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मोसिडोफाइल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्के बैक्टीरिया. मेथेनोजेंस दैट इज दे प्रोड्यूस मीथेन, मार्शी एरियाज में दिखेंगे, रूमिनेटिंग एनिमल्स में दिखेंगे. ऑब्लिगेट एनरोबिक है, दैट इज द रीजन दे आर आर्के बैक्टीरिया. कुछ ना कुछ लोग हार्श हैबिटेट में रह रहे हो बोल के ही हम आर्के बैक्टीरिया बोल रहे हैं ना, दैट इज दे आर ऑब्लिगेट, मजबूरी है उनके एनरोबिक कंडीशन. एंड मेथेनोबैक्टीरिया में है हमारा मेथोजेंस का एग्जाम्पल, हैलोफाइल्स दैट इज हाई सॉल्ट एरिया में लाइक डेड सी. थर्मोसिडोफाइल्स देखिए हाई टेम्परेचर होगा, लो पीएच होगा. टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर दे require thermostable enzyme. So this was the types of archaea bacteria. So with this let's just wind up our today's class. Actually मैं आज थोड़ी सी लो थी, आई डोंट नो वाई एक्चुअली आई वाज सो लो टुडे, बट मेरे को एनर्जी आ रही है क्योंकि आज बड़े दिन बाद मैं लेक्चर पोस्ट कर रही हूँ. सो नाउ आई विल ट्राई टू फोकस हियर. सो प्लीज़ आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, बिकॉज वाई वी हैव Why we are here? Please have these. Please say it for my motivation and what I want you to get motivated. That is why we are here. Yes, have these. Why we are here? Yes, we are here and we are working to achieve the dreams. So with this, take care of yourself and your family. Till then, goodbye.